डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। और एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए डबल एंगल आइडेंटिटी का, हाफ एंगल आइडेंटिटी का एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 10.3, और 10.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू अल्फ़ा की, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस टू अल्फ़ा की एंड टेन टू अल्फ़ा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके लिए हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, गिवन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 एंड अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 रेडियन लेस दैन π/2 रेडियन, यानी हमारे पास अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और साइन अल्फ़ा गिवन है, इसके साथ हमें साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है, तो इट मीन्स हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर जो एंगल अल्फ़ा है ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर हमें साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा से फाइंड करेंगे वैल्यू कॉस अल्फ़ा की। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये एक फार्मूला है, बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो देयर फॉर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा है हमारे पास 12/13 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 144/169, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू। राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 169 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 169 से कैंसिल, यहाँ पर 144, जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 25/169। अब क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर को एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बिकॉज अल्फा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/13। यानी अभी हमने क्या किया, साइन अल्फा से हमने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब फर्स्ट में हमें फाइंड करना था साइन टू अल्फ़ा, तो हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी में साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला है, इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। राइट साइड पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, गिवन है 12/13। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, जो हमने रिसेंटली फाइंड की है 5/13। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, ये बनेगा हमारे पास 1260 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120/169, ये हमने साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकेंडली हमें फाइंड करनी है कॉस टू अल्फ़ा की। नाउ हमारे पास कॉस टू अल्फ़ा, डबल एंगल आइडेंटिटी में कॉस टू अल्फ़ा के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, हम इनमें से कोई सा एक अप्लाई करेंगे, तो हम फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा क्या है, 5/13 होल स्क्वायर, साइन अल्फ़ा है हमारे पास 12/13 होल स्क्वायर, और जब इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -119/169, ये हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस टू अल्फ़ा की। अब लास्ट वन हमें फाइंड करनी है वैल्यू टेन टू अल्फ़ा की, तो हम इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन टू अल्फ़ा को सिंपली राइट कर सकते हैं साइन टू अल्फ़ा ओवर
cos 2 अल्फा। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में वैल्यू पुट कर देंगे sin 2 अल्फा की, हमारे पास sin 2 अल्फा की वैल्यू क्या है 120/169 और हमारे पास cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या है -119/169 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 120/119, ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan 2 अल्फा। तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर वन में साइन अल्फा गिवन था, साइन अल्फा से साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू में वो कहता है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमने प्रूव करना है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो सेम यहाँ पर इसे प्रूफ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cot अल्फा माइनस टेन अल्फा, cot अल्फा हमारे पास कोशेंट आइडेंटिटी है, हम cot को राइट कर सकते हैं cos अल्फा ओवर sin अल्फा और tan अल्फा को राइट कर सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे एलसीएम, और हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन साइन से कैंसल, कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, माइनस कॉज कैंसल, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो इस तरह ये हमारे पास बनेगा कॉज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास है साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब रिसेंटली हमने इसे यूज़ किया है कि कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल है, हमारे पास कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। इसका मतलब जहाँ कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा है हम क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं कॉस 2 अल्फा ओवर में साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम राइट साइड पे फोकस करेंगे, हमें राइट साइड में चाहिए 2 कॉट 2 अल्फा, तो अगर कॉट बनाना है तो कॉस के ओवर में क्या होना चाहिए साइन और स्टार्ट में क्या होना चाहिए 2, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से डिवाइड किया, ये बनेगा साइन 2 अल्फा, तो ये बनेगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई की 2 से डिवाइड 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी में ओपन है, यानी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को जब हम वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस 2 अल्फा और ये बनेगा साइन 2 अल्फा। तो इस तरह कॉस ओवर साइन क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉट 2 अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाय 2। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब एक तो ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी, हम क्यों ना इसको ड्राइव कर लेते हैं, हमारे पास ये एक फार्मूला है बिकॉज साइन अल्फा बाय 2, हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा साइन स्केयर अल्फा बाय 2 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 1 माइनस कॉस अल्फा। इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस अल्फा की हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या भला 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2। अब साइन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला है साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमें साइन 2 अल्फा नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन अल्फा, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस अल्फा बाय अल्फा ओवर 2, तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा ओवर 2 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। इसका मतलब है जब ये 2 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड थी 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या पुट की 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2
कॉस अल्फा बाय टू, तो यहाँ पर टू टू से कैंसिल, एक साइन साइन से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बनेगा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू रहेगी साइन अल्फा बाय टू ओवर कॉस अल्फा बाय टू। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, ये हमारे पास है टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।